press the bell icon and never miss another update from Papa Shop. Hello friends, मैं सायरा खान. आपको हम इस वीडियो के माध्यम से जो है आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आए हैं. इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर एंड लाइक कीजिए, जिससे कि आप हमारे इस चैनल में आने वाली नई वीडियो को उसका जो अपडेशन जो है वो आपके पास में आ जाए और उसे आप तुरंत देख सकें. हम इस चैनल के माध्यम से आपकी सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, आपके एग्जाम से रिलेटेड जो भी आपकी प्रॉब्लम्स होंगी उनको सॉल्व करेंगे, साथ में आपका सिलेबस भी पूरा कवर कराएंगे, आपकी क्वेरीज को पूरा करेंगे. आप अपनी क्वेरीज को जो है हमें जो है सेंड कर सकते हैं, हम उस क्वेरीज को पूरा करेंगे. यानी कि हम आपकी जो भी आपकी दिक्कत रहेगी वो हम आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड पूरी करेंगे. आज हम इस वीडियो में आपको 12th क्लास के पॉलिटिकल साइंस के सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट में जो क्वेश्चन पेपर का जो पैटर्न होता है उसको डिस्कस करेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन पेपर के डिस्कशन को. इससे पहले मेरा आप सभी से जो है अनुरोध है कि आप जो है कॉपी और पेन को साथ में लेके बैठिएगा, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद में आपने नोट डाउन करना है, ताकि ये चीज जो है वो आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा ध्यान में रहे और आप इसका यूटिलाइजेशन बहुत अच्छे से कर सकें. तो हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन पेपर का पैटर्न जो है आपको बहुत ध्यान से सुनना है, क्योंकि बच्चों को ये नहीं पता होता कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का है, कितने क्वेश्चन में कितना लिखना है. वो बस लिखते चले जाते हैं और जिसकी वजह से उनको दिक्कत आ जाती है, वो टाइम को मैनेज नहीं कर पाते, उनका पेपर छूट जाता है. इसीलिए हम इस वीडियो में आपको डिस्कस करेंगे. इसके लिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हमारे पहले हम यहाँ बात करेंगे कि हमारे यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ जो हमारे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे वो रहेंगे 27. यानी कि हमारे क्वेश्चन पेपर में जो पूरे जो पेपर में जो हमारे क्वेश्चन रहेंगे वो 27 आएंगे, और वो 27 वो अलग अलग तरीके के होंगे, अलग अलग मार्क्स में वो डिवाइड होंगे. वो किस तरीके से डिवाइड होंगे वो हम यहाँ पर आज बात करते हैं, और ये पूरा क्वेश्चन आपको 3 घंटे में जो है वो सॉल्व करना है. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं एक नंबर वाले. ठीक है, एक नंबर के आपके क्वेश्चन आएंगे 5. एक नंबर वाले क्वेश्चन आएंगे 5, यानी के मार्क्स कितने हुए, 5 मार्क्स हुए. आपका पेपर कितने का आना है, टोटल आपका जो पेपर रहेगा वो रहेगा 100 नंबर का. ठीक है, कितने का रहेगा, 100 नंबर का रहेगा, जिसमें आपका एक नंबर के क्वेश्चन आएंगे 5 और वो होंगे 5 मार्क्स के. ठीक है, अब इस 5 मार्क्स के क्वेश्चन में आपने एक बात का ध्यान रखना है, जो आपका एक नंबर वाला क्वेश्चन होगा वो आपने इतना लंबे तरीके से नहीं लिखना है. लिखने की जो आपने अपनी जो एक तरीके से आप जो लिखेंगे उसको ध्यान में रख के लिखिएगा. जो क्वेश्चन पूछ रहा है केवल आप उसका आंसर देंगे. जैसे कि आप मान लीजिए एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन दे रखा है, मान लीजिए आपसे पूछा जाता है चिपको आंदोलन कब हुआ, तो आपने केवल उसके सन को बताना है कि चिपको आंदोलन जो है वो कब हुआ था. इसके अलावा आपसे पूछा जाए मान लीजिए कि OSCHR का मीनिंग क्या है, उसकी फुल फॉर्म बताइए, तो आपने उसको लिखना है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हाई कमीशन फॉर ह्यूमन राइट. इस तरीके से केवल आपने फैक्चुअल बातों को ही बताना है और आगे इससे ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है. ठीक है, तो आपने केवल इसमें लिमिटेड देना है. इसके अलावा क्वेश्चन में अगर मान लीजिए एक नंबर के क्वेश्चन में इस तरीके से भी पूछा जाता है कि वर्चस्व का क्या अर्थ है. ठीक है, अर्थ पूछा जा सकता है, किसी चीज से तात्पर्य पूछा जा सकता है, अभिप्राय का अर्थ बताइए, अभिप्राय क्या होता है, मतलब मान लीजिए वर्चस्व का अभिप्राय क्या है. इस तरीके से क्वेश्चन अगर फॉर्म होगा तो आपने जो है उसमें ये लिखना है वर्चस्व का अर्थ होता है दबदबा, और जो है वर्चस्व जो है किसी भी चीज के ऊपर वर्चस्व दिखाना या दबदबा बनाए रखना ही वर्चस्व कहलाता है. इतना लिखने की जरूरत है, इससे ज्यादा आपको जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि
पॉलिटिकल साइंस का पेपर जो है वो बहुत ज्यादा लेंथी होता है, और बहुत ज्यादा लेंथी होने के कारण जो है क्या होता है, पेपर बहुत छूट जाता है, तो आपने केवल लिमिटेड लिखना है। दूसरे तरीके का जो क्वेश्चन होगा वो आपको होगा दो नंबर का क्वेश्चन। दो नंबर के क्वेश्चन आपके पांच आएंगे। यहाँ पर मैं सीरियल नंबर भी मेंशन करना चाहूंगी, हमारे जो क्वेश्चन पेपर में सीरियल नंबर होगा एक नंबर वाले क्वेश्चन का वो एक से लेकर पांच तक का होगा, यानी एक दो तीन चार पांच, ये जो एक नंबर वाले क्वेश्चन के होंगे। बाकी पांच से लेकर दस तक दो नंबर वाले क्वेश्चन होंगे, यानी दो नंबर वाले क्वेश्चन में पांच क्वेश्चन आएंगे जिनका सीरियल नंबर होगा 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, पांच क्वेश्चन होंगे, इसके बाद में टोटल नंबर इसके इतने हुए 10। ठीक है, यानी कि अब देखे ये जो दो नंबर वाले क्वेश्चन है, ये पांच क्वेश्चन को आपने कैसे करना है। आपने इन दो नंबर वाले क्वेश्चन में इतना ज्यादा जो है लेंथी जाने की जरूरत नहीं है, आप इनके दो पॉइंट दीजिए, दो पॉइंट में इनको डिस्क्राइब कीजिए अच्छे से, बस काफी है। कहीं कहीं आपसे जो है मेंशन नहीं होता है, मान लीजिए पर्यावरण के दो कारण आपसे पूछे गए हैं तो पर्यावरण के दो कारण बताइए। अगर आपसे पूछा जा रहा है चिपको आंदोलन के परिणाम के बारे में पूछा जाता है, तो आप उसके चिपको आंदोलन के परिणाम जो है आप एक दो और तीन करके इस तरीके से आप मेंशन करके कर दीजिए, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है और पेपर हमारा बहुत लेंथी है। इसके बाद स्टार्ट करते हैं। तीन नंबर के क्वेश्चन हमारे वाले सब्जेक्ट में बिल्कुल नहीं आते। तीन नंबर का पैटर्न हम जो है, तीन नंबर के क्वेश्चन का पैटर्न हमारे पॉलिटिकल साइंस के जो क्वेश्चन पेपर है उसमें नहीं है। सीधा हमारे यहाँ पर चार नंबर के क्वेश्चन आते हैं छह। कितने आते हैं? चार नंबर के क्वेश्चन आते हैं छह। अब इन चार नंबर के क्वेश्चन में टोटल हुए 24। ठीक है, 24 आपके जो है क्वेश्चन हुए, मार्क्स हुए 24 नंबर के। आपके 6 नंबर वाले कवर होंगे जिनका सीरियल नंबर होगा आपका 11 से लेकर 16 तक, यानी 11 से लेकर 16 तक, 11, 12, 13, 14, 15 और 16, ये जो सीरियल नंबर के जो क्वेश्चंस रहेंगे वो हमारे 4 नंबर वाले रहेंगे, और ये 6 क्वेश्चन होंगे जिनका टोटल नंबर बैठता है 24, यानी कि 24। ठीक है, इनमें आपने कैसे सॉल्व करना है, इनको आपने इनको पॉइंट देना है। चार पॉइंट अगर आपसे पूछे जा रहे हैं, मान लीजिए 1975 के आपातकाल के बारे में पूछा जा रहा है, तो आप उन आपातकाल को बताएंगे, चार कारणों को बताएंगे, विद कंक्लूजन बताएंगे, तो आपने पूरा अपना टाइम मैनेजमेंट देखना है। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं हम अपने पांच नंबर वाले क्वेश्चन में। ठीक है, एक नंबर वाला हो गया, दो नंबर वाला हो गया, तीन नंबर वाला हो गया, अब पांच पर आते हैं। पांच वाले क्वेश्चन आते हैं हमारे पांच, यानी कि पांच नंबर के क्वेश्चन कितने आते हैं हमारे पे, पांच आते हैं, यानी इनका टोटल नंबर हुआ 25 नंबर के। देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन जो है, ये हमारे जो पेपर है पॉलिटिकल साइंस का, जो 12th क्लास का जो पेपर है उसमें स्कोरिंग पार्ट है। आप बहुत ज्यादा इसमें स्कोर कर सकते हैं और अपनी परसेंटेज को 95 अबव से लेकर आ सकते हैं, बस आपने थोड़ा सा ध्यान देना है। अब वो ध्यान आपने कैसे देना है, मैं यहाँ पर इनका पहले सीरियल नंबर इनका मेंशन कर लूं। 17 से लेकर 21 तक जो इनका सीरियल नंबर होगा, यानी क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19, 20 और 21, ये जो सीरियल नंबर होगा ये जो है इनका होगा पांच नंबर वाले क्वेश्चन का। ठीक है, अब हम बात करते हैं, मैंने आपको बताया कि ये जो हमारा पार्ट है पांच नंबर वाला, ये स्कोरिंग पार्ट है हमारे इस पेपर का। अब वो स्कोरिंग कैसे है, अब आपको इसमें ध्यान देना है कि ये जो पार्ट है ये तीन पार्ट में, कहने के लिए पांच नंबर के पांच क्वेश्चन है, पर ये पांच नंबर के पांच क्वेश्चन एक जैसे नहीं आते हैं, इनमें आपको वैरायटी देखने को मिलेगी। ठीक है, वैरायटी दिखेगी हमें, इसमें तीन तरीके की वैरायटी हम देखते हैं। अब तीन तरीके की वैरायटी कैसे है, तीन तरीके की वैरायटी कैसे है, पहले हम बात करेंगे पैराग्राफ पे। इसमें तीन पैराग्राफ्स आते हैं, कितने पैराग्राफ आते हैं, तीन पैराग्राफ आते हैं, और तीन पैराग्राफ आप देखिए जो इसका सीरियल नंबर रहेगा तीन पैराग्राफ का, वो रहेगा 17, 18 और 19। ठीक है,
17, 18 और 19 में तीन पैराग्राफ रहेंगे, वो तीन पैराग्राफ आपकी एनसीईआरटी किताब में से कोई भी तीन जो है पैराग्राफ उठा लिए जाएंगे, दोनों बुकों में से कोई भी तीन पैराग्राफ लिए जा सकते हैं। इसमें जो आपके 17, 18 और 19 में ये जो तीन पैराग्राफ होंगे उनकी जो मार्किंग स्कीम होगी वो कुछ इस तरीके से हो सकती है। मान लीजिए इसमें देखिए तीन पैराग्राफ में, एक पैराग्राफ में, मैं केवल एक पैराग्राफ की बात करूंगी यहाँ पे, ठीक है, केवल एक पैराग्राफ की बात करूंगी क्योंकि तीनों का पैटर्न सेम रहेगा। अब इसमें पांच नंबर में जो ये डिवाइड रहेगा, मार्किंग स्कीम ऐसे भी हो सकती है 2+2+1, यानी दो नंबर का एक क्वेश्चन, फिर दो नंबर का एक क्वेश्चन, फिर एक नंबर का क्वेश्चन, या फिर ऐसे भी हो सकता है एक नंबर का क्वेश्चन, दो नंबर का क्वेश्चन, दो नंबर का क्वेश्चन, टोटल पांच हुआ, ठीक है। इस तरीके से आपके तीनों पैराग्राफ इस कवर किए जाएंगे पांच नंबर में। मुझे लगता है समझ आ गया होगा, अब हम आगे चलते हैं। अगर नहीं समझ आए मैं इस बात को फिर से रिपीट करना चाहूंगी, तीन पैराग्राफ आएंगे जिनकी मार्किंग थीम होगी 2+2+2+2+1, 1+2+2, इस तरीके से एक पैराग्राफ की स्कीम है। 17, 18 और 19 इनका सीरियल नंबर होगा। अब बात करते हैं हम दूसरे वाले टाइप की। मैंने बताया था कि पांच नंबर वाले दूसरे तरीके का, तीन तरीके के आते हैं जिसमें दूसरे तरीके का होगा हमारा कार्टून, ठीक है। अब वो कार्टून आपका कुछ भी हो सकता है, आपकी दोनों किताबें जो आपकी है, एक आपकी है स्वतंत्र भारत में राजनीति और दूसरी वाली जो आपकी किताब है समकालीन विश्व में जो है समकालीन विश्व की राजनीति, तो आपकी इन दोनों बुकों में एनसीईआरटी किताबों में जो भी कार्टून्स आए हुए हैं उनमें से कोई एक कार्टून जो है वो यहाँ पर एग्जाम में दिया जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर आप अपनी एनसीईआरटी की किताब में देखेंगे तो उसमें एक आर्मी मैन दिखाया हुआ है जिसकी वर्दी पर, यूनिफॉर्म में अलग अलग देशों के नाम जो है वो दिखाए गए हैं। अब वो पूछा जा सकता है, मान लीजिए कि ये जो आदमी है वो क्या संदेश देता है, इस पर किन किन देशों का नाम है, इस तरीके से उसकी जो मार्किंग स्कीम होगी वो सेम ऐसी ही होगी, ठीक है। इसी तरीके से उसमें तीन क्वेश्चन पूछे जाएंगे और वो तीन क्वेश्चन आपके उसी कार्टून से रिलेटेड होंगे। मान लीजिए आपके जैसे कि आपका जो चैप्टर है पर्यावरण वाला जो आपकी फर्स्ट वाली बुक में है समकालीन विश्व में राजनीति, उसमें आपके एक हाथ दिया हुआ है, हाथ पर कैंडल बना रखी है, वो हाथ कुछ पाइप टाइप में बना रखा है जिसमें कि आपका दिखा रखा है ग्लोबल वार्मिंग को दर्शाया गया है। एक और आपका चैप्टर है जिसमें एक बॉटल बनाई गई है, बॉटल को पूरा पृथ्वी का लुक दिया हुआ है, साथ में उसमें वाटर बहुत कम दिखा रखा है, साथ में दिखा रखा है उसमें ओटो, तो आपने वो देखना है कि वो किस चीज को दिखा रहा है कि पृथ्वी में जो पानी दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है उसको दिखा रहा है, ठीक है। तो आपने इस कार्टून को बहुत अच्छे से पढ़ना है, बहुत अच्छे से देखना है ये कार्टून क्या जो है बोलने की कोशिश कर रहा है, क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है, इस पर आपको अपना ध्यान फोकस करना है, साथ में इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन है उनको भी सॉल्व करना है, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं जो तीसरे टाइप का जो क्वेश्चन होगा वो आपका होगा मैप से रिलेटेड। किससे रिलेटेड होगा? मैप से रिलेटेड। अब ये जो क्वेश्चन होगा मैप से रिलेटेड, ये क्वेश्चन आपका मैप कोई भी आ सकता है, आपका वर्ल्ड का मैप आ सकता है या इंडिया का मैप आ सकता है, कोई भी एक मैप आपको दिया जा सकता है, पर इस बात का ध्यान रखिएगा, विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। देखिए मानते हैं कि पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट जो है वो सोशल साइंस सब्जेक्ट का ही एक ब्रांच के रूप में एज अ सब्जेक्ट है, ठीक है, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप छोटी कक्षा में, छोटी क्लास में आप क्या करते थे कि मैप को फाड़ा सोशल साइंस वाले पेपर में और उसको फिल करके आपने कॉपी के साथ अटैच करके दे दिया। पर मैं यहाँ पर बताऊंगी आपको, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बताने की कोशिश करूंगी कि आप जो है इसमें, इस सब्जेक्ट में इस तरीके का काम ना ही करें, क्योंकि इस सब्जेक्ट में आपने क्या करना है, जो मैप आएगा वो जो मैप है वो आपको आइडेंटिफाई करने के लिए आएगा, आपको उस मैप को आइडेंटिफाई करना है और देन आइडेंटिफाई करने के बाद उसको, उसका आंसर जो है उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो आपने अपनी कॉपी में लिखने हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहूंगी।
मान लीजिए ये आपको पूर्वोत्तर राज्यों का, कृपया ना ही हंसे, ठीक है। मैं यहाँ पर आपको पूर्वोत्तर राज्य जो आपके हमारे हैं, ईस्ट जितने भी हमारे स्टेट हैं, उनको दिखाने की यहाँ में कोशिश की है मैंने कि ये हमारे पूर्वोत्तर राज्य का जो हमारी जो ईस्ट की तरफ की जो जो स्टेट है उनको दिखाया है मैंने। मान लीजिए ये आपका दिखाया है, ठीक है, पूर्वोत्तर राज्य का मैप आया है। अब उसमें आपको लेबल कर दिया जाएगा ए बी सी और डी और ई, ठीक है। अब इसमें ये पूछा जाए मान लीजिए आपको कि सात बहने जो है किसे कहा जाता है, क्वेश्चन आ जाएगा सात बहने किसे कहा जाता है, तब तो आपको पता है कि सात बहने किसे कहा जाता है, अरुणाचल प्रदेश है, असम है, नागालैंड, मिजोरम, फिर मेघालय, फिर उसके बाद में ये त्रिपुरा, ये इन सभी सातों सेवन सिस्टर्स को आप बता देंगे। परंतु अगर क्वेश्चन जो है दूसरे तरीके का हो, जिसमें आपसे केवल ये पूछा जाए कि मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि मिजो आंदोलन कब हुआ था, आपसे पूछा जाए मिजो आंदोलन, मिजो लोगों के द्वारा जो आंदोलन किया गया था वो मिजो आंदोलन कब हुआ था या मिजो आंदोलन कहाँ हुआ था, तो आप बता देंगे कि किस तरीके से यहाँ पे आप आंसर यहाँ पे बता देंगे। मान लीजिए इस तरीके से यहाँ पे आंसर बताएंगे कि वन का सॉरी बी है, तो यहाँ पर आप लिख देंगे वन का बी और साथ में आंसर लिखेंगे मिजोरम, ठीक है ना, मिजो आंदोलन मिजोरम में हुआ था, तो आप इस तरीके से इसको दिखा देंगे। यहाँ पर आपको दोनों चीजें बतानी है, एक तो आपका जो सेक्शन आपने यहाँ पे आइडेंटिफाई करने के लिए जो दिखाया गया है ए बी सी या जो भी है यहाँ पे वो आपने दिखाना है, साथ में आप किस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं आपने वो बताना है, साथ में उस क्वेश्चन का क्या आंसर है आपने वो बताना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपने इस तरीके से करना है, ना कि आपने पेपर को फाड़कर उसके साथ लगा देना है, आपको पेपर में आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफाई करने के बाद में उसको फिर अपनी आंसर शीट में इस तरीके से सॉल्व करना है जैसे मैंने यहाँ पर बताया, हम यहाँ पर जो डिस्कस कर रहे हैं। मेरे ख्याल से आप ये जो है समझ गए होंगे, अब हम आगे चलते हैं समय की बर्बादी ना करते हुए, आपके पास में टाइम बहुत कम है एग्जाम के लिए, तो इसीलिए यहाँ पर हम केवल उतनी ही बातों को करेंगे जिससे कि आपका टाइम बर्बाद ना हो और आपको ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके, ठीक है। अब बात करते हैं छह नंबर वाले क्वेश्चन की। अब छह नंबर वाले क्वेश्चन जो है वो छह आते हैं, कितने आते हैं, छह आते हैं, टोटल कितना हुआ 36, कितना हुआ 36, यानी छह नंबर वाले क्वेश्चन कितने हुए 36 मार्क्स के हुए और जिनका सीरियल होगा 22 से 27, ठीक है। ये जो पोर्शन है, ये वाला जो है आपका पोर्शन, ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन है आपके क्वेश्चन पेपर का, क्योंकि ये जो क्वेश्चन पेपर का जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, अगर आप इसमें से एक क्वेश्चन भी मिस कर जाते हैं तो ये आपकी परसेंटेज पर बहुत इफेक्ट करता है। तो आपको ध्यान रखना है कि अपने पेपर की शुरुआत जो है वो यहाँ से ना करके आपने पेपर की शुरुआत यहाँ से करनी है, यानी छह नंबर वाले क्वेश्चन आपने सबसे पहले कवर करने हैं, उसके बाद चार नंबर वाले क्वेश्चन, चाहे तो आप पांच नंबर वाले क्वेश्चन को शुरू कर सकते हैं, फिर बाद में दो नंबर वाले क्वेश्चन और फिर एक नंबर वाले क्वेश्चन, ठीक है। तो इस तरीके से आपने अपने पेपर के पैटर्न को ध्यान में रखना है और पेपर के पैटर्न को देखते हुए ही अपनी जो है वो आपने तैयारी करनी है। आगे आने वाली वीडियो में हम आपको बताएंगे किस पेपर के पैटर्न के साथ साथ हम किस तरीके से अपने टाइम का मैनेजमेंट कर सकते हैं, यानी कि हमें किस क्वेश्चन में कितना टाइम देना चाहिए, ये हम आपको अपनी आने वाली अगली वीडियो में बताएंगे। तो प्लीज देखते रहिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।